मधुबनी जिले में भाजपा कार्यकर्ता जोश में हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में हुई जीत पर सोमवार भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। अबीर गुलाल उड़ाए, मिठाइयां बांटी और बजते ढोल नगाड़ों पर जमकर नाचे कूदे। अंदरा ठाड़ी में मंडल अध्यक्ष अमरनाथ राय इसकी अगुवाई कर रहे थे। अरविंद चौधरी, हरिमोहन चौधरी, विजयराम, इंद्रदेव मंडल, ललित राय, शैलेंद्र मिश्रा, सुमन झा, कृष्णादेव पासवान, शशि चौधरी, रामाशीष मंडल पवन कामत, राजा राम मंडल, संजय कुमार झा, ममता कुमारी, रामाशीष सिंह आदि ने बताया कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और सुशासन का प्रतिफल है। ये 2024 के चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में विधानसभा चुनाव में भाजपा की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बंपर जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। स्टेशन चौक स्थित पुराने नगर पंचायत परिसर में पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार कर ढोल और ताशों पर भाजपाइयों ने जमकर नृत्य भी किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, भाजपा नेता उद्धव कुंवर, गणेश पासवान, सूरज गुप्ता, धीरेन्द्र झा ने कहा कि तीनों राज्यों में जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की जीत है। जनता ने कांग्रेस के लुभावने वादों को नकार कर भाजपा को बहुमत दिया है। भाजपा की ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। धारा 370, राम मंदिर, धार्मिक स्थलों का विकास ने इस जीत को और बड़ा कर दिया। कांग्रेस की तुष्टिकरण की हार हुई है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। जयनगर से संतु नायक और अंदरा ठाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। जो इतनी खुशी ब्लॉक परिसर में देखी जा रही है, क्या कारण है जो आप लोग खूब धूमधाम से जो है मतलब पटाखे फोड़ रहे हैं और लगातार जश्न मना रहे हैं, क्या बात है? जैसा कि आपको पता है कि पूरे महागठबंधन भारतवर्ष में जितने भी INDIA के गठबंधन के साथी हैं, सबों ने पुरजोर जोर लगा करके इस बार मोदी मैजिक को तोड़ने का प्रयास किया था। मोदी जी अकेले ही ऐसा मैजिक निकाले कि INDIA छिन्न-भिन्न हो गया और ध्वस्त हो गया। चार प्रदेश में तीन प्रदेश प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, बन रही है। इसी की खुशी में आज हमारे जितने भी साथी हैं, रंग गुलाल, बम पटाखे, लड्डू, रसगुल्ला, लाल मोहन, गुलाब जामुन से अपने आप को मुंह मीठा करके प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, प्रसन्नता लहरा रहे हैं। अभी हाल ही में मोदी जी ने जो विरोध किया था जातीय जनगणना का, जिसको उन्होंने कहा सिर्फ एक ही बात कहा कि मात्र चार ही जाति है पूरे देश में, महिला, किसान, युवा और गरीब, चार जाति है जिसको जाति